समग्र समाधान। मनुष्य पर देवत्व के अवतरण से पदार्थ संपदा की उपयोगिता और महत्ता कितनी ही बड़ी चढ़ी क्यों ना हो, पर यदि उसका दुरुपयोग चल पड़े तो अमृत भी विष बनकर रहता है। कलम बनाने के काम आने वाला चाकू किसी के प्राण हरण का निमित्त कारण भी बन सकता है। बलिष्ठता, संपदा, शिक्षा के संबंध में भी यही बात है। उसके सत्परिणाम तभी देखे जा सकते हैं जब सदुपयोग कर सकने वाली सद्बुद्धि सक्रिय हो। यहां इतना और भी समझ लेना चाहिए कि नीति निष्ठा और समाज निष्ठा का अवलंबन लेना भी पर्याप्त नहीं है। उसमें भाव संवेदनाओं का पावन प्रवाह ही भले बुरे लगने वाले ज्वार भाटे लाता रहा है। मस्तिष्क आमतौर से सभी के सही होते हैं, पागलों और सनकियों की संख्या तो सीमित ही होती है। फिर अच्छे खासे मस्तिष्क आदर्शवादी उत्कृष्टता क्यों नहीं अपनाते? उन्हें अनर्थ ही क्यों सूझता रहता है? उनसे सुविधा, प्रसन्नता और प्रगति जैसे कुछ बन पड़ना तो दूर, उल्टे संकटों, विपन्नताओं, विभीषिकाओं का ही सृजन होता रहा है। इस तथ्य का पता लगाने के लिए हमें भाव संवेदनाओं की गहराई में उतरना होगा। यह तथ्य समझना होगा कि अंतःकरण में श्रद्धा, संवेदना की शीलता, सरसता भरी रहने पर ही सदाशयता का वातावरण बनता है। मानसिकता तो उस चेरी की तरह है जो अंतः श्रद्धा रूपी रानी की सेवा में हर घड़ी हुक्म बजाने के लिए खड़ी रहती है। स्पष्ट है कि देव मानवों में से प्रत्येक को अपनी सुविधाओं, मंचली इच्छाओं पर अंकुश लगाना पड़ा है और उससे हुई बचत को उत्कृष्टताओं के समुच्चय समझे जाने वाले भगवान के चरणों पर अर्पित करना पड़ा है। लोकमंगल के लिए, आत्म परिष्कार के लिए अपनी क्षमता का कण कण समर्पित करना पड़ा है। इसी मूल्य को चुकाने पर किसी को दैवी अनुग्रह और उसके आधार पर विकसित होने वाला उच्च स्तरीय व्यक्तित्व उपलब्ध होता है। महानता इसी स्थिति को कहते हैं। इसी वरिष्ठता को चरितार्थ करने वाले देव मानव या देवदूत कहलाते हैं। उन्हीं के प्रबल पुरुषार्थों के आधार पर शालीनता का वातावरण बनता और समस्त संसार इसी आधार पर सुंदर एवं समनत्त बन पड़ता है। तात्विक दृष्टि से यह प्रगतिशीलता कुटिलता की पक्षधर बुद्धिवादी मानसिकता को तनिक भी नहीं सुहाती। इसमें उसे प्रत्यक्षतः घाटा ही घाटा दिखता है। अपना और दूसरों का जो कुछ भी उपलब्ध हो उस सब को हड़प जाना या बिखेर देना ही उस भौतिक दृष्टि का एकमात्र निर्धारण है जो जनमानस पर प्रमुखतापूर्वक छाई हुई है। संकीर्ण स्वार्थपरता स्वच्छंद उपयोग की ललक उभारती है। उसी की प्रेरणा से वह निष्ठुरता पनपती है जो मात्र हड़पने की ही शिक्षा देती है, जिसके लिए भले ही किसी भी स्तर का अनाचार बरतना पड़े। निष्ठुरता इसी स्थिति की देन है। वही है जो अनावश्यक संचय और अवांछनीय उपभोग के लिए हर समय उकसाती, उत्तेजित करती रहती है। यही है वह मानसिकता जिसकी छाप जहां भी पड़ी है वहीं चित्र विचित्र संकट एवं विग्रह उत्पन्न होते चले गए हैं। इसी मानसिकता को दूसरे शब्दों में कुटिलता, नास्तिकता अथवा शालीनता को पूरी तरह समाप्त कर देने में समर्थ ओले की वर्षा के समतुल्य भी समझा जा सकता है। प्रदूषण, विकिरण, युद्धोन्माद, दरिद्रता, पिछड़ापन, अपराधों का आधार खोजने पर ही निष्कर्ष निकलता है कि उपलब्धियों को दानवी स्वार्थपरता के लिए नियोजित किए जाने पर ही यह संकट उत्पन्न हुए हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को चौपट करने में असंयम और दुर्व्यसन ही प्रधान कारण है। मनुष्य के मध्य चलने वाले छल, छद्म, प्रपंच एवं विश्वासघात के पीछे भी यही मानसिकता काम करती है। इनमें जिन अवांछनीयताओं का आभास मिलता है वस्तुतः वे सब विकृत मानसिकता की ही देन है। दोष न तो विज्ञान का है और न बुद्धिवाद का। बढ़ी चढ़ी उपलब्धियों को भी वर्तमान अनर्थ के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि विकसित बुद्धिवाद का, विज्ञान का, वैभव का, कौशल का उपयोग सदाशयता के आधार पर बन पड़ा होता तो खाई खंडकों के स्थान पर समुद्र के मध्य प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ी रहने वाली मीनार बनकर
खड़ी हो गई होती। कुछ वरिष्ठ कहलाने वाले यदि उपलब्धियों का लाभ कुछ सीमित लोगों को ही देने पर आमादा न हुए होते तो यह प्रगति जन जन के सुख सौभाग्य में अनेक गुनी बढ़ोतरी कर रही होती। हंसता हंसाता खिलता खिलाता जीवन जी सकने की सुविधा हर किसी को मिल गई होती। पर उस विडंबना को क्या कहा जाए जिसमें विकसित मानवीय कौशल ने उस दुर्भिसंधियों के साथ तालमेल बिठा लिया जो गिरों को गिराने और समर्थों को सर्वसंपन्न बनाने के लिए ही उतारू हों। विकृतियां दिखती भर ऊपर हैं पर उनकी जड़ अंतराल की कुसंस्कारिता के साथ जुड़ी रहती है। यदि उस क्षेत्र को सुधारा संभाला उभारा जा सके तो समझना चाहिए कि चिंतन चरित्र और व्यवहार बदला और साथ ही उच्च स्तरीय परिवर्तन भी सुनिश्चित हो गया। भगवान असंख्य रिद्धि सिद्धियों का भांडागार है, उनमें संकटों के निवारण और अवांछनीयताओं के निराकरण की भी समग्र शक्ति है। वह मनुष्य के साथ संबंध घनिष्ठ करने के लिए भी उसी प्रकार लालायित रहता है जैसे माता अपने बालक को गोदी में उठाने छाती से लगाने के लिए लालायित रहती है। मनुष्य ही है जो वासना तृष्णा के खिलौने से खेलता भर रहता है और उस दुलार की ओर से मुंह मोड़े रहता है जिसे पाकर वह सच्चे अर्थों में कृतकृत्य हो सकता था उसे समीप तक बुलाने और उसका अतिरिक्त उत्तराधिकार पाने के लिए। यह आवश्यक है कि उसके बैठने के लिए साफ सुथरा स्थान पहले से ही निर्धारित कर लिया जाए। यह स्थान अपना अंतःकरण ही हो सकता है। अंतःकरण की श्रद्धा और दिव्य चेतना के संयोग की उपलब्धि दिव्य संवेदना कहलाती है जो नए सिरे से नए उल्लास के साथ उभरती है। यही उसकी यथार्थता वाली पहचान है अथवा मान्यता तो प्रतिभाओं में भी आरोपित की जा सकती है। तस्वीर देखकर भी प्रियजन का स्मरण किया जा सकता है पर वास्तविक मिलन इतना उल्लास भरा होता है कि उसकी अनुभूति निर्जीर्णी उभरने जैसी होती है। इसका अवगाहन करते ही मनुष्य कायाकल्प जैसी देवोपम स्थिति में जा पहुंचता है। उससे हर किसी में अपना आपा हिलोरे लेता दीख पड़ता है और समग्र लोक चेतना अपने भीतर घनीभूत हो जाती है। ऐसी स्थिति में परमार्थी सच्चा स्वार्थ बन जाता है। दूसरों की सुविधा अपनी प्रसन्नता प्रतीत होती है और अपनी प्रसन्नता का केंद्र दूसरों की सेवा सहायता में घनीभूत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने चिंतन और क्रियाकलापों को लोक कल्याण में सत प्रवृत्ति संवर्धन में ही नियोजित कर सकता है। व्यक्ति के ऊपर भगवत सत्ता उतरे तो उसे मनुष्य में देवत्व के उदय के रूप में देखा जा सकता है। यदि यह अवतरण व्यापक हो तो धरती पर स्वर्ग के अवतरण की परिस्थितियां ही सर्वत्र बिखरे दृष्टिगोचर होंगी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।